हम 11 साल से अनाज मंडी एसोसिएशन की तरफ से भी, और हमारी एक संस्था है गणेश उत्सव समिति, जो लगातार 11 साल से गणेश उत्सव मना रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से, भंडारा भी, लोगों को आना भी, गाना बजाना भी, और पूरी श्रद्धा के साथ इसको मनाया जाता है। कितने दिन चलेगा ये? 8 दिन चलेगा सर, 14 तारीख तक चलेगा, 15 तारीख को एक विशाल भंडारा है यहाँ सारे नगर वासियों के लिए। 15 तारीख को मूर्ति का विसर्जन ढोल ढमाकों के साथ शहर की प्रमुख गलियों से होते हुए हम प्रांची पहुंचेंगे, प्रांची तीर्थ, और वहां पर इसका विसर्जन किया जाएगा। लोगों से अपील करता हूं, अपने शहर वासियों से, ये गणेश उत्सव 11 साल से जो भी कोई मन्नत मांगता है अपनी, लगभग पूरी होती है। यहाँ देसी घी का प्रसाद चढ़ता है, हर क्विंटल के हिसाब से चढ़ता है। लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, जो कि प्रसाद की व्यवस्था भी हमारी संस्था की ओर से है, यहीं पर प्रसाद दिया जाता है। मैं छोटी सी घटना सुनाता हूँ। हमारे सांसद नैब सिंह सैनी जी, अब तो सीएम बन गए, मैंने उनको पिछले साल न्योता दिया, मां सांसद जी आप हमारे गणेश उत्सव में आए और हम आपकी पूजा कराएंगे। सैनी साहब जी आए और उनकी पूजा कराई, अमित शास्त्री जी ने उनकी पूजा कराई, और हमने यहाँ पंडित जी कभी ऐसा आशीर्वाद दुआएं गणपति जी, भैया सीएम बन जाए, और देखो प्रभु की कितनी कृपा हुई, साल में ही सीएम बन गए यहाँ। मैं नैब सैनी, श्री माननीय श्री नैब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा से भी अपील करूंगा, अगर उनको टाइम लगे गणेश उत्सव समिति अनाज मंडी पे हमें माथा टेकने जरूर आए।